अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अमर और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं करवाने जा रहा हूँ हैंड फीड अपने लव बर्ड को। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक लव बर्ड का बच्चा आया हुआ है, तो उसको जो ऑस्ट्रेलियन है वो तो करवा रहे हैं लेकिन फीड लेकिन बहुत कम करवा रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको हैंड फीड करवाई और हैंड टेम किया जाए। और आज मैं उसको हैंड फीडिंग करवाऊंगा आपके सामने और आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको किस तरह अपने बर्ड्स को हैंड फीडिंग करवानी। मैंने ऑस्ट्रेलियन को भी हैंड फीड करवाई हुई है, लव बर्ड को भी पहले करवाई हुई है लेकिन थोड़े बड़े लव बर्ड को, और कॉकटेल को भी मैंने करवाई हुई है। तो अभी जी हम लोग चलते हैं जी अपने सेटअप के अंदर, आप लोगों को बच्चा भी दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह फीड बनानी है और किस तरह फीड खिलानी है। तो जी हम लोग चलते हैं सेटअप के अंदर, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग सेटअप में आ चुके हैं और जो लव बर्ड का बच्चा है वो जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसके नीचे फोस्टर किया हुआ है। तो आजकल फीमेल भी बाहर रहती है और इसके नीचे जी इसके अपने दो बच्चे थे जो कि मैंने एक निकाल के तो यहाँ पे फोस्टर कर दिया हुआ है। तो इधर अब चार बच्चे हैं लेकिन ये है कि माशाल्लाह ये फीमेल अच्छा पाल रही है। तो अभी इसके नीचे जी एक बच्चा इसका अपना है और एक बच्चा मैंने लव बर्ड का डाला हुआ है। तो लव बर्ड का बच्चा भी निकालते हैं, उससे पहले मैं आपको हैंड फीडिंग किस तरह बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह बनानी है। तो बेसिकली जी ये हैंड फीड है जो कि मैंने इस्तेमाल करवाई है एक दो दिन से। तो मैंने चाहा था कि जैसे ही थोड़ा सा हैंड फीडिंग का हो जाता तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये जी पहले मैं इसको चमचे से करवा था, ये स्पून था, तो इसको मैंने यहाँ से टेढ़ा कर दिया, ठीक है, और ये स्पून इसका बन गया था। तो यहाँ पे चूंच से खिला देता था मैं, लेकिन इससे क्या हुआ है कि जी फीड तो हो जाती है, वन डे के बच्चे को इसी से फीड होती है। तो ये है कि इससे थोड़ा उसके मुँह को लगनी शुरू हो गई थी, तो वो मैं नहीं था चाह रहा कि इसको इस तरह लगे। तो आजकल भी मैं इससे, कल भी मैंने इससे करवाई थी और आज मैंने इससे करवाई। एक मैंने सिरिंज ले लिया, ठीक है, और इसके आगे मैंने ये साइकिल का वॉल्व, आप किसी भी साइकिल शॉप से ले सकते हैं, साइकिल का वॉल्व जो होता है वो है, तो इसको काट के तो मैंने इसके आगे चढ़ा लिया। अब ये है कि इससे जहर नहीं होता है, जितना मर्ज़ी हो जाए। कुछ लोग लोहे की नीडल भी इस्तेमाल करते हैं, वो इसकी हैंड फीडिंग होती है, वो भी ठीक होती है लेकिन वो प्रोफेशनल बंदे के लिए होती है। इसके आगे जी इस तरह ये नीडल लगी होती है, आप लोगों ने इससे कत्ते तोड़ पर नहीं करवानी, ये बिल्कुल ब्रीक होती है, ये मर जाना इससे बचे ने, तो आप लोग इससे करवा सकते हैं। तो आप लोगों ने बनानी किस तरह है, आप लोगों ने, मेरा तो एक है अभी बिल्कुल छोटा सा, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी फीड बनानी है, आप उससे आप भी बना सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि फुल गर्म पानी जो होता है वो लेना है आपने। सबसे पहले आप लोगों ने, मैंने ये ले लिया है, 3 ml पानी लिया इसके अंदर, ठीक है, ये मैंने इधर डाल दिया। अब क्या है कि मैंने इसके अंदर फीड डालनी है, फीड में थोड़ी सी जितनी मैं डाल बनानी है ना उतनी मैं करूँगा, क्योंकि बच्चा भी छोटा सा और उसको थोड़ी सी फीड लगनी है। आपने जितनी बच्चा बड़ा तो आपने उस हिसाब की ले लेनी है। तो अभी फ़िलहाल जी ये मैंने इसके अंदर फीड भी डाल दी, फुल गर्म के अंदर डालनी है ताकि मिक्स ये अच्छे से हो जाए। और फीड के ऊपर मैंशन भी है कि 40% फीड हो और 60% उसके अंदर पानी हो, फिर जाकर फीड सही तैयार होगी। और आप लोगों ने अच्छे से हिलाते जाना है जब तक वो नीम गर्म ना हो जाए, तो फिर आप लोगों ने इसको खिलानी है। आपने फुल इसको थिक नहीं रखना, ताकि उससे ये होगा कि अगर थिक होगी तो वो बच्चे के अंदर पोटे में जम जाएगी, तो फिर बच्चा आगे से एक्सपायर भी हो सकता है आपका। तो मैं थोड़ी सी और डाल देता हूँ इसके अंदर, ये रही डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर बच्चे को निकाल के तो उसको फीड भी करवाते हैं। दोस्तों ये तकरीबन मिक्स हो गया, आप लोग ऐसी फीड लीजिएगा जो कि बिल्कुल ब्रीक हो, जो कि आराम से नीडल के अंदर आ जाए, क्योंकि मैं पहले लेकर आया था वो अच्छी फीड नहीं थी, वो के क्या कहते हैं वो इसके ऊपर नहीं थी चढ़ रही, वो आगे से ना मोटी जो बनाते नहीं घर में बना ली हमने जी, बड़ी अच्छी है, तो वो दोस्तों इसमें नहीं थी चढ़ रही। लेकिन ये है कि ये फुल ब्रीक होती है तो मैंने ये ली है, इम्पोर्टेड भी मिल जाती है लेकिन चलें इसके लिए ये भी ठीक है। तो अब ये देखिएगा आप आराम से आपने इसको किया तो ये नीडल के अंदर ये देखें आ गई है इधर से, फिर आपने इसको अच्छे से हिला लिया और बिल्कुल इसके अंदर हवा नहीं रहने देनी, अगर हवा होगी तो पोटे के अंदर हवा हो जाएगी। थोड़ा सा आपने अपने हाथ पे डाल लेनी है पहले, बिल्कुल ठीक है, अगर ये थोड़ी सी गर्म आपको लगे फिर आपने इसको थोड़ा ठंडा करके फिर इसको देनी है, फुल ठंडी नहीं देनी, उससे ये होगा कि आपका जो चिक होगा वो पोटा जल जाएगा उसके अंदर से। और अभी हम लोग चिक को बाहर निकाल लेते हैं और फिर आप लोगों के साथ आगे शेयर करते हैं।
तो दोस्तों मटकी मैंने उतार ली है, आप लोग देखें तो ये रहे जी हमारे अंदर। ये देखें ये जो बड़े वाला बचा है ये ऑस्ट्रेलियन का, दूसरे वाला जो है वो लवबर्ड का है। तो अभी ये ऊपर आ गया थोड़ा सा इसके, तो इसको मैं साइड पे भी करता हूँ और बच्चा आपको निकाल के दिखाता हूँ लवबर्ड का जो है। तो ये रहा जी लवबर्ड का बच्चा। तो अभी इसको सुबह हम लोगों ने फीड करवाई भी थी, तो अब इस टाइम इसकी बारी है, तो इसको दोबारा फीड करवा लेते हैं। फीड करवानी है आप लोगों ने किस तरह, आप लोगों ने इस तरह इसको पकड़ा, इसका थोड़ा सा इधर से आप लोगों ने मुंह खोल लेना है, ठीक है। और ये रहे, कोशिश करें दो बंदे, क्योंकि पहले तो हम लोग दो बंदे ही करवाते थे, लेकिन जो मेरा भाई है वो इस टाइम खड़ा है जी मोबाइल के साथ लेके, तो इसको मैं इधर रखता हूँ और इसको लटा लिया उल्टा। और ये रहा जी इसके, यहाँ से इसका मुँह खोला हल्का सा और ये थोड़ा सा पाइप इसके मुँह के अंदर डाला। और फिर देखिएगा आराम आराम से आप लोगों ने डालना है। तो दोस्तों आप लोग ये देखें तो इसको फीड हो चुकी है, तो इतनी फीड इसके अंदर बहुत है, इसको ज़्यादा नहीं करवानी है हम लोगों ने। इसका साफ़ कर लेते हैं मुँह, देखें मैं उठा के भी आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन 1 ml इसको मैंने करवाई है, ये देखें ये फीड इसको हो गई है और ये फीड इसके लिए काफ़ी है। इसका मुंह साफ़ करते हैं और इसको वापस अंदर रख देते हैं, क्योंकि इसको मैंने सुबह भी करवाई थी और इसको जो पेरेंट्स हैं वो नहीं करवा रहे, क्योंकि मैं इसको इसलिए इसके अंदर रहने दिया ताकि ये जो है फीमेल का जो हीट है और जो इस बच्चे की हीट है वो इसको मिलती रहे। और वरना मुझे इसके लिए स्पेशली है कि इसके लिए ब्रूडर बनाना पड़ेगा, वो वैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, इस कॉकटेल के लिए ब्रूडर मैंने बनाया था। तो अभी फ़िलहाल ये है कि इसको इस तरह रहने देंगे, इसको बंद करते हैं और इसको वापस रखते हैं, और वापस रखते हैं तो फिर आप लोगों के साथ दोबारा मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने इसको फीड करवा दिया और अब आप लोगों से मैं थोड़ी सी और भी अपडेट शेयर कर देता हूँ। आप लोग ये देखें तो ये माशाल्लाह से जी इसने भी मटकी में जाना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये अंडे देगी तो हम इसके नीचे हम लवबर्ड के अंडे रखेंगे। लवबर्ड के अंडे आपको जैसा कि पता है कि मेरे पास पड़े भी हुए हैं, तो ये देखें आप लोग लवबर्ड के अंडे हमारे पास, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंडे हैं टोटल, 6 हैं बल्कि, ये कुछ खराब भी हैं। तो ये 6 या 5 या 6 अंडे जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, कुछ 2 पुराने भी पड़े हुए हैं अंडे, तो वो मैंने वैसे ही अंदर रख दिए थे। तो आप इसके ऊपर देखें तो हम लोगों ने इसके अंदर फिशर के अंडे रखे हुए हैं, ग्रीन फिशर के, तो तकरीबन 4 अंडे आई थिंक, तो वो भी इसके अंदर ही पड़े हुए हैं। और माशाल्लाह से जी फीमेल इसके ऊपर बैठी भी हुई है अंडों के ऊपर, और इंशाल्लाह इसके अंदर से जब बच्चे निकलेंगे तो इसको भी हम लोग आप लोगों को दिखाएँगे कि क्या प्रोग्रेस है। और ऊपर अगर आप लोग देखें तो इसकी फर्स्ट ब्रीड थी, तो इसके अंदर माशाल्लाह से जी एक ही बच्चा निकला हुआ है और जो 3 अंडे थे वो ख़राब हो गए थे, लेकिन फर्स्ट ब्रीड है, चले कुछ नहीं होता इसके अंदर। बाकी इसका भी आप लोग देखें तो एक बच्चा इसका भी डबल राउंड क्रस्ट के अंदर साइज का। अब मुझे ये नहीं पता कि वो इसी का ही बच्चा है या इसका बच्चा है, क्योंकि इसका अंडा हम लोगों ने एक फोस्टर किया था इसके अंदर, और फीमेल इसकी डबल राउंड क्रस्ट में है, कलर इसके ऊपर जा रहा है, अब कोई आइडिया नहीं इसका। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी जल्दी अंडे दे देंगे। बाकी इसके पास भी 3 बच्चे हैं, वो भी माशाल्लाह मैं आपको कल किसी नई वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके नीचे जी हम लोगों ने 3 इसके अपने बच्चे थे, एक बच्चा हम लोगों ने इसका फोस्टर किया था जो कि ये लवबर्ड जिसके पास रखा हुआ है, तो 4 बच्चे इसके पास भी हैं माशाल्लाह। और बाकी जी हमारे जो एग्जीबिशन है ये फीमेल भी मटकी में जाना शुरू होगी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग दुआ कीजिएगा ये जल्दी से जल्दी ब्रीड कर जाए। ये देखें माशाल्लाह से जी वो फीमेल मटकी के अंदर चलेगी। और ये जो हमारे कॉकटेल हैं, एक बच्चा देखें आप लोग, तो वो पीछे बाहर आ चुका है माशाल्लाह से, अब ये बाहर ही रहता है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी सेल्फ भी हो जाएगा। और आप लोग इधर देखें तो यहाँ पे 2 बच्चे इसके अपने भी हैं, वो भी माशाल्लाह से जी अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो ये भी कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये ब्रीड कर जाएंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे बल्कि सेल्फ हो जाएंगे, तो ये जब पेड़ दोबारा ब्रीड करेगा हम लोग इसके नीचे दोबारा अंडे रखेंगे। हम तो दुआ करते हैं कि ये जो इसके अपने अंडे हैं वही फर्टाइल हो जाएँ, अगर नहीं होंगे तो हम लोग नए ले आएँगे। बाकी ये हमारी फ़ीमेल अभी इधर ही है, नेक्स्ट ईयर इसकी भी बारी आएगी। कुछ ये पेड़ हैं दोस्तों, इसमें से मैं कुछ चाह रहा हूँ कि मैं सेल कर दूँ, आप लोग मुझे बताइएगा सेल करते, क्योंकि ये फारग इस नहीं बैठे होते हैं तो कोई फ़ायदा भी नहीं इनका, तो मैं चाह रहा हूँ इनको सेल करके तो एक पेड़ लवबर्ड का रख लिया जाए। आप लोगों का क्या ख्याल है, करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे लाजमी इसके अंदर बताइएगा। और नीचे अगर आप लोग हमारी देखें तो यहाँ पर फिंचज़ आ गई, और फिंचज़ की कल वीडियो अपलोड की थी लेकिन कोई इसके ऊपर मज़ा नहीं आया, वीडियो के ऊपर कोई अच्छे से व्यूज़ नहीं आए इसके ऊपर। चलें अब आगे देखिए
अगर हुआ मूड तो इसके ऊपर आपको वीडियो देंगे, वरना इसके ऊपर बहुत कम वीडियोज़ आए करेंगे, क्योंकि फिंचिस की वीडियो यार आप लोग पता नहीं क्या पसंद नहीं इतना करते जितनी ऑस्ट्रेलियंस की मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रेलियन भाई, आप ऑस्ट्रेलियन भी अपलोड करें, आप ऑस्ट्रेलियन के ऊपर ये बताएं। ऑस्ट्रेलियन मुझे भी काफ़ी पसंद है, लगता है आप लोगों को भी काफ़ी पसंद है, तो इसकी वजह से आप लोग ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। और कुछ भाई लव बर्ड का कह रहे थे कि लव बर्ड रखें, तो मैं इंशाल्लाह लव बर्ड भी लेकर आऊँगा। और बाकी एक भाई का मुझे कमेंट आया हुआ था, वो कह रहे थे कि यार आप ना इस तरह किया करें कि अपनी वीडियो में, वो कुछ फेमस यूट्यूबर हैं आजकल के, तो उनका नाम लाजमी लिया करें। तो नाम लेने में कोई नहीं, मैं नाम ले भी सकता हूँ, और बट मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरी अपनी सक्सेस है, मतलब कि मैं बाद में अगर समझे मैं मेरा एक टाइम के ऊपर आके वायरल हो भी जाता है चैनल, तो अगर मैंने किसी का नाम लेकर लिया तो मुझे बाद में ये नहीं होगा कि मैंने अपनी मेहनत से किया, बाद में मुझे यही होगा यार मैंने ये, कोई मुझे ये भी कह सकता यार आपने तो उसका नाम लेकर अपना चैनल हिट किया। तो इसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरा जो चैनल है वो किसी और की मेहनत की वजह से हिट हो, मैं चाह रहा हूँ अपनी मेहनत की, अपने जो काम है उसकी वजह से हिट हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो भी जाएगा, अगर नहीं चाहा तो कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोग इस तरह सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा हमारा चैनल भी हिट हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मुझे बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और आगे मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपके साथ कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।